मूवी के स्टार्टिंग में हम टीम के बच्चों को देखते हैं जो अपने रूम में खेल रहे थे। तभी वहाँ टीम आता है और इसका फोन ले लेता है और कहता है कि आज क्रिसमस ट्रेडिशन के मुताबिक मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, जब तक तुम दोनों सो नहीं जाते। ये टीम से कहती है क्या स्टोरी सुनना जरूरी है, वो भी एक ट्रेडिशन की वजह से, अगर हम ना भी चाहे तो। तो टीम कहता है मैं किसी को जानता हूँ जो सेम तुम्हारी तरह था, क्योंकि उसे भी क्रिसमस ट्रेडिशन पसंद नहीं थे। टीम इन्हें बॉस बेबी यानी इनके अंकल की स्टोरी सुनाता है। टीम बताता है कि क्रिसमस ट्रेडिशन क्रिसमस से 5 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन बॉस बेबी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। क्रिसमस से 2 दिन पहले ये सब घूमने जाते हैं। टीम की मॉम बॉस बेबी को सेंटा के एल्प्स वाला सूट पहनाती है और टीम बॉस बेबी को सेंटा के पास ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सेंटा भी पहले बॉस बेबी की तरह बेबी कॉप था और इसने बॉस बेबी के साथ काम भी किया है, लेकिन बाद में ये बच्चों को क्रिसमस की हैप्पीनेस देने के लिए सेंटा बन गया। फिर टीम सेंटा के साथ फोटो क्लिक कराता है और सेंटा से पूछता है कि मैं गुड लिस्ट में हूँ या नहीं। तो सेंटा इसे कहते हैं तुम गुड लिस्ट में सबसे टॉप पर हो। टीम सेंटा से अपने विश के बारे में पूछता है तो सेंटा इसे कहते हैं कि तुम विश लिखकर मेरे एल्फ्स को दे दो। टीम अपना विश एल्फ्स को दे देता है। दूसरी तरफ बॉस बेबी सबसे इरिटेट हो रहा था और इसे सेंटा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए ये अपना डायपर लेटर में फेंकने वाला था। लेकिन तभी वहाँ एक एल्फ आ जाता है और बॉस बेबी उसे टकरा कर खुद ही लेटर में गिर जाता है और ये एल्फ और बॉस बेबी बेहोश हो जाते हैं। और जब बॉस बेबी होश में आता है तो ये नॉर्थ पोल में पहुँच चुका था। यहाँ सारे एल्फ इसे डोंगल बुला रहे थे तो बॉस बेबी इनसे कहता है कि ये डोंगल नहीं है। दूसरी तरफ हम टीम को देखते हैं जो अपने भाई बॉस बेबी के रूम में आता है तो ये देखता है कि यहाँ बॉस बेबी नहीं बल्कि डोंगल था जो टॉय बनाता था। ये दिखने में बिल्कुल बॉस बेबी के जैसे था, इसलिए ये आपस में एक्सचेंज हो गए थे। टीम डोंगल से कहता है कि हमें बॉस बेबी को वापस लाना होगा क्योंकि ये उसका फर्स्ट क्रिसमस है। ये अपनी हेल्प के लिए जॉम्बो और स्टेसी को बुलाता है। दूसरी तरफ हम सेंटा को देखते हैं जो बच्चों की विश लिस्ट याद कर रहे थे। तभी वहाँ बॉस बेबी आता है और ये सेंटा से खुद को वापस पहुंचाने को कहता है। तो सेंटा इसे कहते हैं कि मैं अभी लिस्ट याद कर रहा हूँ, जब मैं गिफ्ट डिलीवर करने जाऊंगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बॉस बेबी लिस्ट को याद करने के लिए कंप्यूटर यूज करने को कहता है, लेकिन सेंटा कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है और बॉस बेबी के टाइम पास के लिए उसे एल्फ के साथ खिलौने बनाने के लिए कहते हैं। इधर हम टीम और डोंगल को देखते हैं। टीम के पेरेंट्स को ये सब पता ना चले इसलिए डोंगल इन्हें स्लीपिंग गैस से सुला देता है और टीम से बताता है कि जिस मॉल में सेंटा था वहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल ओपन होगा जिसके थ्रू हम नॉर्थ पोल तक जा सकते हैं, लेकिन ये पोर्टल 20 मिनट बाद बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ हम बॉस बेबी को देखते हैं जो एल्फ के साथ टॉय बना रहा है, लेकिन इससे ये टॉय खराब हो जाता है और बॉस बेबी देखता है कि सब एल्फ्स बहुत स्लो और सही से काम नहीं कर रहे, तो ये सबको बेहतर तरीके से काम करना सिखाता है। सभी एल्फ्स ये देखकर बहुत खुश थे। तो बॉस बेबी इनसे कहता है कि तुम ये काम और भी आसानी से कर सकते हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के यूज करके। बॉस बेबी इनसे कहता है कि सेंटा इनके साथ बहुत गलत कर रहा है, सब लोग सेंटा को जानते हैं और सारी मेहनत ये कर रहे हैं, इनमें से किसी को भी कोई नहीं जानता। फिर बॉस बेबी इनसे पूछता है कि एक बच्चे को गुड लिस्ट में रखने के लिए सेंटा कितने पैसे चार्ज करते हैं। एल्फ्स बताते हैं कि सेंटा पैसे नहीं लेते, वो बस जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें गुड लिस्ट में रखते हैं और बुरे बच्चे को नॉटी लिस्ट में। बॉस बेबी इनसे कहता है कि ये सब सही नहीं है, ऐसे तो वो रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते। दूसरी तरफ हम टीम और बाकी सबको देखते हैं जो भाग के मॉल पहुंचते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले पोर्टल बंद हो जाता है। फिर इनको एक आइडिया आता है और ये डिलीवरी शॉप में नॉर्थ पोल जाने वाले एक बॉक्स में छिप जाते हैं। फिर एक डिलीवरी ट्रक उस बॉक्स को एक एड्रेस पर डिलीवर कर देता है और जब बॉक्स ओपन होता है तो ये देखते हैं कि सब किसी और जगह पर आ गए हैं। टीम जब इस आदमी से इसकी वजह पूछता है तो ये आदमी बताता है कि मैंने अपना नाम नॉर्थ पोल रखा है, इससे लोग जो लेटर या पैकेज सेंटा को नॉर्थ पोल भेजते हैं वो यहाँ आ जाता है और इसका यूज करके ये पैसे कमाता है। टीम इससे पूछता है कि जो बच्चे टॉय के लिए सेंटा को लेटर भेजते हैं उनका क्या होता है, तो ये बताता है कि उन बच्चों को टॉय नहीं मिलते क्योंकि लेटर सेंटा तक नहीं पहुंच पाता। टीम इससे कहता है कि ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कहता है हाँ तुम सही हो, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। और अब ये टॉय बेच के पैसे कमाने का सोचता है क्योंकि इन सबको नॉर्थ पोल जाना था। तो ये आदमी कहता है मैं तुम्हें नॉर्थ पोल पहुंचा सकता हूं, लेकिन इसके बदले डोंगल मेरे पास रहेगा टॉयज बनाने के लिए जिसे बेचकर ये पैसे कमा सके। टीम इसे मना करता है लेकिन डोंगल इसे एक रिमोट बटन देता है और कहता है तुम जाओ मैं खुद आ जाऊंगा और अगर मेरी जरूरत पड़े तो इस बटन को प्रेस कर देना। फिर ये इस आदमी की हेल्प से नॉर्थ पोल पहुंच जाते हैं। यहाँ ये सब देखते हैं कि कोई भी एल्फ काम नहीं कर रहा क्योंकि बॉस बेबी ने अपनी बातों से सारे एल्फ को सेंटा के खिलाफ कर दिया है। टीम बॉस बेबी से कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, सब कुछ जैसे है ठीक है, सब लोग ऐसे ही क्रिसमस पसंद करते हैं। तभी एक एल्फ इसके पास आता है और ये
सेंटा का निकनेम पूछता है। टीम इसे सारे निकनेम बता देता है। तब ये टीम से एक एल्फ का नाम पूछता है, लेकिन टीम को एक भी एल्फ का नाम नहीं पता था। ये देखकर सारे एल्फ गुस्सा हो जाते हैं और सब चीजें तोड़ फोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर सेंटा भी आ जाते हैं और सेंटा ये सब देखकर बहुत सैड हो जाते हैं और अपना नेम नॉटी लिस्ट में लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बॉस में भी टीम को घर चलने को कहता है, तो टीम कहता है अब तो सेंटा चले गए तो गिफ्ट कौन देगा। तो बॉस में भी कहता है ये एल्फ सब संभाल लेंगे। तभी एल्फ कहते हैं हम अकेले ये सब नहीं कर सकते क्योंकि हमारा काम टॉय बनाना और गिफ्ट पैक करना है। इसको डिलीवर सेंटा करते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सेंटा को देखते हैं जो एक नॉटी लड़की के पास आ जाते हैं और इसे पूछते हैं कि नॉटी लिस्ट में होने के बावजूद भी तुम जिंदगी कैसे गुजारते हो। तो ये सेंटा को अपने मोटर बाइक पर ले जाता है और इसे बताता है कि नॉटी लाइफ में भी काफी फन है। दूसरी तरफ हम बॉस पे भी और बाकी सबको देखते हैं जो गिफ्ट डिलीवर करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वहाँ डोंगल नॉर्थ पोल के साथ आता है। ये बाकी सब एल्फ से सेंटा के बारे में पूछता है। जब इसे सारी बात पता चलती है तो ये इनसे इसकी वजह पूछता है। सब एल्फ कहते हैं कि हम काफी समय से सेंटा के लिए काम कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। डोंगल इन्हें बताता है कि हमारी पहचान सेंटा से है, बगैर सेंटा के हमारी कोई पहचान नहीं है। डोंगल के समझाने पर अब सब समझ जाते हैं और अब सब सेंटा को वापस लाना चाहते हैं। डोंगल बॉस बेबी से सेंटा को वापस लाने के लिए कहता है, लेकिन बॉस बेबी सेंटा को वापस लाने से इनकार कर देता है। तो सब एल्फ्स मिलकर बॉस बेबी के लिए गाना गाते हैं और इसे ब्लैकमेल करते हैं कि ये गाना बाकी लोगों को सुनाएंगे जिससे उन्हें पता चलेगा कि बॉस बेबी ने सबका क्रिसमस खराब कर दिया है। बॉस बेबी ये सुनकर इनसे कहता है कि मैं सेंटा को लेने जाऊंगा लेकिन वो ये गाना लोगों को ना सुनाए वरना सब इससे नफरत करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि किसी को भी पता नहीं था कि सेंटा अभी कहाँ है। तभी नॉर्थ पोल इसे कहता है कि मैं पता लगा सकता हूँ कि सेंटा कहाँ है लेकिन इसके बदले मुझे वो सारे लेटर्स चाहिए जो लोगों ने सेंटा को भेजे हैं। तभी बॉस बेबी को याद आता है कि लेटर्स पर जितनी भी विश लोगों ने लिखी थी वो सेंटा ने खुद याद कर ली थी और ये सोचकर बॉस बेबी नॉर्थ पोल को वो लेटर्स देने के लिए मान जाता है। तब नॉर्थ पोल अपने रिसोर्सेज से सेंटा का पता लगाता है और बॉस बेबी को बताता है कि सेंटा अभी होम टाउन के मॉल में है। फिर बॉस बेबी सेंटा को लेने के लिए जाता है। ये सेंटा से वापस चलने को कहता है नहीं तो एल्फ्स मेरा नाम खराब कर देंगे लोगों को वो सॉन्ग सुनाकर। एल्फ्स चाहते हैं कि आप वापस चले। फिर सेंटा बॉस बेबी से पूछता है कि तुम्हें एज अ गिफ्ट क्रिसमस पे क्या चाहिए। तो बॉस बेबी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप वापस चलो। फिर सेंटा मान जाते हैं और दोनों नॉर्थ पोल चले जाते हैं। डोंगल सेंटा को एक गिफ्ट देता है जिसमें वॉइस रिकॉर्ड था, इसमें कुछ जोक्स रिकॉर्ड थी और इसके नीचे डोंगल का नाम लिखा था। डोंगल सेंटा से कहता है कि अब हर गिफ्ट पर बनाने वाले का नाम लिखेगा जिससे लोगों को पता चले कि गिफ्ट किसने बनाया है। तभी सेंटा को याद आता है कि अब तो काफी देर हो गई है और इतनी जल्दी सारा गिफ्ट डिलीवर नहीं हो पाएगा। बॉस बेबी सेंटा से पूछता है कि क्या आपको सारे लेटर्स याद है। तो सेंटा टीम का लेटर सुना देता है क्योंकि इनको सब याद था और अब सब मिलकर सेंटा के साथ गिफ्ट डिलीवर करते हैं और समय पर सारे गिफ्ट डिलीवर कर देते हैं। फिर सेंटा बॉस बेबी और टीम को घर छोड़ता है और टीम को उसका गिफ्ट देता है। बॉस बेबी सेंटा से पूछता है कि मेरे लिए क्या गिफ्ट है। तो सेंटा इसे स्नोबॉल मारते हैं और हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम नॉर्थ पोल को देखते हैं जिसे टीम ने वही टॉय भेजा था जो बॉस बेबी ने खराब बनाया था। ये बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये टॉय मैंने बचपन में मांगा था लेकिन मुझे कभी मिली नहीं। फिर ये अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और अपना रियल नेम बताता है जिससे हमें पता चलता है कि अब इसने एविल रास्ता छोड़ने का इरादा कर लिया है। फिर हम बॉस बेबी और टीम को अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हुए देखते हैं और ऐसे ये स्टोरी एंड हो जाती है। लेकिन टीम के बच्चों को अभी तक नींद नहीं आई थी तो टीम रिमोट का बटन दबाकर डोंगल को बुलाता है और ये स्लीपिंग गैस से इनको सुला देता है और टीम को मैरी क्रिसमस बोलता है और ऐसे मूवी की एंडिंग हो जाती है।